Hello everyone, in this video lecture we are going to discuss about the habitat and niche, another topic of ecology. Habitat और niche का अगर हम हिंदी मीनिंग देखें तो habitat का मतलब है निवास स्थान और niche का मतलब है आला. Definition: A habitat can be defined as an area where different species lives and interact with the अदर फैक्टर्स. सटीक शब्दों में हम कहें तो हैबिटेट एक एरिया है, यानी कि फिजिकल स्पेस है नेचर में जहाँ पे कोई भी स्पीशीज रहती है, पाई जाती है और अपने एनवायरनमेंट से रिएक्ट करती है. या फिर दूसरे शब्दों में कहें तो हैबिटेट इज़ ए फिजिकल प्लेस इन नेचर, यानी कि किसी भी नेचर में, चाहे फॉरेस्ट है, डेजर्ट है, पानी है, किसी भी एरिया में जहाँ पर भी कोई भी एनिमल रहता है, पाया जाता है, उसका हम क्या कहते हैं, हैबिटेट. निश का मतलब ये है कि एन ऑर्गेनिजम्स लीव एंड सर्वाइव इन प्रोवाइडेड एनवायरमेंटल कंडीशन. एक एनवायरनमेंट जिसमें हैबिटेट जिसमें कि ऑर्गेनिज्म पाया जा रहा है तो उसमें कैसे रहता है, उसकी कंडीशंस क्या कैसी है, उस एनवायरनमेंट में रहने के लिए उसकी ज़रूरतें क्या हैं, उसका उस एनवायरनमेंट में रोल क्या है. यानी कि निश को देखा जाए तो निश इज़ अ काइंड ऑफ एक्टिविटी परफॉर्म बाय ऑर्गेनिज्म, यानी कि जिस एनवायरनमेंट में रहता है उसकी वहाँ पे एक्टिविटी क्या है, वो करता क्या है, तो उसकी जॉब क्या है, उसका रोल क्या है, तो ये कहलाती है निश. सबसे पहले अगर हम हैबिटेट को डिटेल में समझें तो हैबिटेट किसका हो सकता है, ह्यूमंस का हो सकता है हैबिटेट, देन प्लांट्स का हो सकता है, एनिमल्स का हो सकता है, और किसी भी लिविंग जंतु का या स्पीशीज का एक पर्टिकुलर हैबिटेट होता है जहाँ पर वो रहता है, पाया जाता है. तो इसको कैसे देखेंगे, द एरिया और नेचुरल एनवायरनमेंट इन विच एन ऑर्गेनिज्म और पॉपुलेशन नॉर्मली लिव्स. तो नेचुरल एनवायरनमेंट में वो एरिया जहाँ पे किसी भी स्पीशीज की पॉपुलेशन रहती है, सर्वाइव करती है, उसको हम क्या कहते हैं, हैबिटेट. तो हैबिटेट इज मेड ऑफ द फॉलोइंग. हैबिटेट किससे बनता है, हैबिटेट बनता है वहाँ के फिजिकल एनवायरनमेंट से और वहाँ के बायोटिक एनवायरनमेंट से. तो फिज़िकल एनवायरनमेंट की बात करें तो वो उसमें फर्स्ट है सॉइल, वहाँ की मिट्टी, रेंज ऑफ टेम्परेचर, तापमान वहाँ का कैसा है, अवेलेबिलिटी ऑफ लाइट और मॉइस्चर, यानी कि नमी कितनी है वहाँ पे, लाइट कितनी है, तो वो है फिज़िकल एनवायरनमेंट पर्टिकुलर हैबिटेट का. बायोटिक एनवायरनमेंट की बात करें तो बायोटिक एनवायरनमेंट में दो चीज़ें हैं हमारे पास, फर्स्ट है अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, दूसरा है प्रेजेंस ऑफ प्रीडेटर्स, यानी कि फूड उनको किस तरह से मिल रहा है या कैसा मिल रहा है. दूसरा प्रीडेटर्स, यानी कि जो उनके शिकारी हैं वो किस तरह के हैं, वो डिसाइड करता है वहाँ का बायोटिक एनवायरनमेंट. अब इन्हें हैबिटेट एंड ऑर्गेनिज्म मस्ट फाइंड. उसी हैबिटेट में इंसान रहेगा जहाँ पे उसको क्या मिलेगा, अपने हैबिटेट के अंदर फूड मिलेगा, वाटर मिलेगा, शेल्टर और स्पेस, यानी कि उसको खाना मिलना चाहिए, पानी मिलना चाहिए, रहने के लिए जगह और स्पेस. हैबिटेट के बाद एक और टर्म आता है जिसको हम कहते हैं माइक्रो हैबिटेट. माइक्रो यानी कि एक छोटा एरिया उस हैबिटेट में. तो माइक्रो हैबिटेट एक्चुअली क्या है, एक एक्चुअल एरिया ऑक्यूपाइड बाय द ऑर्गेनिज्म. The term microhabitat is often used to describe small-scale physical requirements of a particular organism or population. यानी कि small scale physical environment है. Physical environment में अभी हमने देखा उसमें soil था, moisture था, temperature था, यानी कि एक large habitat के अंदर एक particular जगह पर यहाँ जो उसको सारी condition चाहिए उसको हम क्या कहते हैं, microhabitat. यानी कि जैसे एक पूरे area में temperature, pressure पूरा समान रूप से, लेकिन किसी ऑर्गेनिज्म को इस रेंज का टेम्परेचर चाहिए, इतना मॉइस्चर चाहिए, तो वो उस जगह पे ऐसा स्थान ढूंढेगा जहाँ पे उसको अपनी ज़रूरत के हिसाब से मॉइस्चर, टेम्परेचर, लाइट सब कुछ मिले. तो वो छोटी जगह, एक पर्टिकुलर स्पेस को हम क्या कहेंगे, माइक्रो हैबिटेट. अब माइक्रो हैबिटेट का एग्जाम्पल हम देखें तो जैसा एक फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट अपने आप में क्या है, एक हैबिटेट है, लेकिन फॉरेस्ट के अंदर एक लॉग है, रोटन लॉग, यानी कि सड़ा हुआ जो पेड़ का तना है, उसके अंदर क्या पाया जा रहा है, जैसे टर्माइट से या कोई भी इंसेक्ट से या बीटल से, तो वो उनका क्या है, माइक्रो हैबिटेट है. तो उस माइक्रो हैबिटेट में उनको
पर्टिकुलर मॉइस्चर है, लाइट की ज़रूरत है, टेम्परेचर है, तो वो पूरे फॉरेस्ट के अंदर एक पर्टिकुलर जगह में ही वो स्पीशीज़ मिलती है, तो वो उसका क्या कहला रहा है, माइक्रो हैबिटेट। हैबिटेट की अगर हम एग्जांपल्स देखें एनिमल्स में, तो सबसे पहला एग्जांपल क्या है, फॉरेस्ट। फॉरेस्ट अपने आप में हैबिटेट है, वो किसका हैबिटेट है, जो भी स्पीशीज़ फॉरेस्ट में पाई जाती है। यहाँ पर हमने एग्जाम्पल देखे हैं, अमेरिकन क्रो है, रेड फॉक्स है, बीवर है, एक्सेट्रा, ये सारे एनिमल्स या स्पीशीज़ उनका हैबिटेट क्या है, फॉरेस्ट। इसी तरह अगर हम सी को देखें, समुद्र को देखें, तो वहाँ पे जो एनिमल्स हैं वो कौन से हैं, स्टार फिशेज, सी अर्किन, जेली फिशेज एक्सेट्रा, तो इन सब का हैबिटेट क्या है, सी। देन हम इसी तरह से हम डेजर्ट देखें, डेजर्ट में जो पाए जाने वाले एनिमल्स हैं, जंतु जैसे कंगारू, रेट है, लिजार्ड एक्सेट्रा, तो इनका हैबिटेट क्या है, डेजर्ट है। तो हर एक हैबिटेट का अपना एक टेम्परेचर है, मॉइस्चर है, उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे क्या मिल रहे हैं, एनिमल्स मिल रहे हैं। तो ये हमने समझा अबाउट हैबिटेट। जो नेक्स्ट हम देखते हैं निश, तो निश ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज अ फंक्शनल रोल, मतलब निश क्या है, ऑर्गेनिज्म का जॉब है, फंक्शनल रोल है, किसके अंदर, इकोसिस्टम के अंदर, कि वो करता क्या है, रहता कैसे है और उसका क्या रोल है, उसको हम कहते हैं निश। इट इंक्लूड्स व्हाट इट ईट्स, वेयर इट लीव्स एंड व्हाट इट डज, तो इसमें क्या होता है कि वो क्या खाता है, प्रीडेटर है, प्रे है, हर्बीवोर्स है, कार्निवोर्स है, उसके अकॉर्डिंगली उसका क्या रोल होगा, फंक्शनल रोल होगा इकोसिस्टम के अंदर, वो पर्टिकुलर किस जगह पे पाया जा रहा है और वो उसका वर्क क्या है, कार्य क्या करता है, तो ये हो गया उसका निश। अब निश के अगर हम टाइप्स देखें तो नेचर में दो मेन टाइप की निश होती है, फर्स्ट हमारा है फंडामेंटल निश और सेकेंड आपका है रियलाइज निश। तो फंडामेंटल निश ऑफ अ स्पीशीज इंक्लूड्स द टोटल रेंज ऑफ एनवायरमेंटल कंडीशन दैट आर सूटेबल फॉर एग्जिस्टेंस विदाउट द इन्फ्लुएंस ऑफ इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन और प्रीडेशन फ्रॉम अदर स्पीशीज। यानी कि फंडामेंटल निश क्या इंक्लूड करता है, ओवरऑल और रेंज, यानी कि पर्टिकुलर जितने एरिया में एक ऑर्गेनिज्म मिल रहा है थियोरेटिकली, उसको हम क्या कह रहे हैं, फंडामेंटल निश कह रहे हैं। दूसरा है रियलाइज निश, इट डिस्क्राइब दैट पार्ट ऑफ फंडामेंटल निश एक्चुअली ऑक्यूपाइड बाय द स्पीशीज, यानी कि फंडामेंटल एक ब्रॉड एरिया हुआ, उसके अंदर भी एक्चुअली जहाँ पे स्पीशीज मिल रही है उसको हम क्या कह रहे हैं, रियलाइज निश। एग्जांपल अगर हम देखें फंडामेंटल और रियलाइज निश का, तो यह हम देख सकते हैं इस डायग्राम में, आप देख रहे हैं यहाँ पे दो कलर्स के स्नेल्स हैं, ये कहाँ है, हमारा ओशन है, ओशन के पास में एक रॉक या चट्टान है जिसके ऊपर स्नेल्स, आपने देखेंगे स्नेल्स जनरली चट्टानों पे क्या करते हैं, चिपके रहते हैं। तो सबसे पहला जो आपका है इसमें जो ब्लू कलर का स्नेल आप देख रहे हैं, इसकी जो नेचर क्या है, उसका जो एरो बता रहा है यहाँ ऊपर से लेके नीचे तक, वो सारा क्या है, निश है, जहाँ पे क्या है, दोनों स्पीशीज क्या है, पाई जा रही है, तो ये इन दोनों का निश है, दोनों का फूड हैबिट सेम है, दोनों का नीड सेम है, टेम्परेचर मॉइस्चर इन दोनों स्पीशीज की सब कुछ क्या है, सेम है। बट अब डिफरेंस कहाँ है, तो अब जो ब्लू स्नेल है उसकी टॉलरेंस पावर ये है, या फिर उसकी आदत ये है कि वो नीचे से लेके, यानी कि चट्टान की नीचे के छोर से लेके चट्टान के टॉप तक कहीं भी सर्वाइव कर सकता है, रह सकता है। दूसरा जो आपका ब्राउन कलर का स्नेल है, वो सिर्फ चट्टान के ऊपरी एरिया पर ही सर्वाइव कर सकता है। अब अगर हम बात करें नीले वाले स्नेल की, तो नीले वाले स्नेल की फंडामेंटल निश की बात करें, तो उसकी नीचे से लेके चट्टान के ऊपर तक, क्योंकि कहीं भी पाया जा सकता है, तो उसका जो फंडामेंटल निश क्या हो गया, नीचे से ऊपर तक का चट्टान का पूरा एरिया। लेकिन उसको पता है कि ऊपर एक ब्राउन स्नेल भी है, तो वो क्या करता है, उसके लिए वो स्पेस छोड़ता है और अपनी निश को थोड़ी सी लिमिट करता है और नीचे एरिया में ही मिलता है। तो जिस एरिया में एक्चुअली मिल रहा है, रह तो सकता है पूरे एरिया में, लेकिन एक्चुअली कहाँ मिल रहा है, नीचे वाले एरिया में, तो वो उसकी क्या हो गई, रियलाइज निश, यानी कि एक्चुअल निश हो गई। सेकेंडली दूसरा हम देखें ब्राउन वाले स्नेल को, तो ब्राउन वाला स्नेल कहाँ मिल सकता है, सिर्फ ऊपर वाले एरिया में मिल सकता है, तो वही उसका क्या हो गया, फंडामेंटल निश भी हो गई और रियलाइज निश भी हो गई। तो
फंडामेंटल निश क्या है, द सेट ऑफ रिसोर्सेज अ पॉपुलेशन इज थियोरेटिकली कैपेबल ऑफ यूजिंग अंडर आइडियल कंडीशन, यानी कि आइडियल कंडीशन में, यानी कि थियोरेटिकल बात करें तो जो रिसोर्स वो यूज़ कर रहा है उसको हम क्या कहेंगे, फंडामेंटल निश। और रियलाइज क्या हो गए, द रिसोर्सेज अ पॉपुलेशन एक्चुअली यूजेस, एक्चुअली जो यूज़ कर रहा है रिसोर्स को उसको हम क्या कह रहे हैं, रियलाइज निश। तो इसके अकॉर्डिंगली हम देख सकते हैं कि दस टू स्पीशीज कैन नॉट को एग्जिस्ट इन ए कम्युनिटी इफ़ देयर निशेस आर आइडेंटिकल। इससे हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि निश हर एक ऑर्गेनिज्म की अलग होनी चाहिए। जैसे ही टू ऑर्गेनिज्म की निश सेम हुई, यानी कि सेम एक ही एनवायरनमेंट, टेम्परेचर, प्रेशर, सब कुछ ज़रूरतें उनकी सेम है, तो उस वक्त ये होगा कि दोनों में से जो सुपीरियर स्पीशीज़ होगी वो क्या करेगी, दूसरी स्पीशीज़ से सीवियर कंपटीशन करेगी और उसको ख़त्म कर देगी, उसको एक्सटिंक्ट कर देगी। तो हर एक ऑर्गेनिज्म को अगर सर्वाइव करना है तो उसको कोई ना कोई पैरामीटर्स दूसरी स्पीशीज से अलग होने चाहिए और उसकी निश डिफरेंट होनी चाहिए, अदरवाइज दो स्पीशीज एक साथ सर्वाइव नहीं कर सकती। इस तरह के कंसेप्ट को हम क्या कहते हैं, कंपटीशन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। यानी कि दो निश अगर सेम हुई तो उनमें सीवियर कंपटीशन होगा और एक स्पीशीज को कंप्लीटली क्या कर दिया जाएगा, एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। तो इसको हम कहते हैं कंपटीशन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। सेकेंडली हम कह सकते हैं कि नो टू स्पीशीज कैन ऑक्यूपाई द एग्जैक्ट सेम निश बिकॉज नो टू स्पीशीज डू द एग्जैक्ट सेम थिंग। यानी कि नेचर में हमें कोई भी दो स्पीशीज एक ही निश में नहीं मिलती, टू स्पीशीज का निश हमेशा अलग होता है क्योंकि उनकी कोई ना कोई पैरामीटर्स, यानी कि कोई दो स्पीशीज है जिनकी चार चीज़ें या चार ज़रूरतें बिल्कुल सेम हैं, लेकिन कोई एक पैरामीटर या ज़रूरत ऐसी हो गई जिसके अकॉर्डिंगली उनकी निश क्या हो गई, डिफरेंस हो जाएगी। निश ओवरलैप कर सकती है, जहाँ उनकी ज़रूरतें सेम है वहाँ पे उनकी निश क्या होगी, ओवरलैप करेगी, लेकिन कुछ एरिया में जो उनकी ज़रूरतें अलग है वहाँ निश ओवरलैप नहीं करेगी। तो इस कंडीशन में दो ऑर्गेनिज्म एनवायरनमेंट में सर्वाइव करते हैं। आई होप कि आपको ये हैबिटेट और निश का कंसेप्ट समझ में आया होगा। दैट्स ऑल फॉर द टुडेज लेक्चर। थैंक यू।